A very, very good morning to all my little ones. You all are fine. Yes, I hope you all are fine. You all are doing your work very well. So, all of you, very good. And today in English, I brought a very interesting exercise for you. Okay, this is your exercise. The exercise is write the words in correct box and read aloud. Here is the cloud full of words. Okay, which season it is now? Now it is rainy season. और rainy season में क्या होती है? बारिश. और बारिश कौन लाता है? Cloud. Yes. So here we have a cloud full of words. ये cloud हमारे लिए क्या लेकर आया है? Words. और हमें क्या करना है? इस boy को जल्दी से भीगने से बचा लेना है. कैसे बचाएंगे? हम लोग फटाफट इस cloud को हल्का कर देंगे. ओके, अभी तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो द क्लाउड इज वेरी हैवी एंड हैवी क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन. सो हमें क्या करना है? फटाफट इस क्लाउड में से वर्ड्स को कलेक्ट कर लेना है और उन्हें करेक्ट बॉक्स में लिख लेना है. दिस इज द बॉक्स फॉर ए साउंड वर्ड्स एंड दिस इज द बॉक्स फॉर ई साउंड वर्ड्स. ओके, सो हियर इज द वर्ड सी ए पी कैप, B-A-T bat, B-E-L-L bell, M-A-N man, P-E-N pen, L-E-G leg, J-A-M jam, W-E-T wet, R-E-D red, V-A-N van, H-E-N hen and D-A-D dad. अब हमें करना क्या है? हमें जब वर्ड्स पढ़ेंगे तो ध्यान देना है कि उसमें हमें कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है. ओके, A का साउंड क्या होता है? A. Yes, A sounds A and E sounds A. E sounds A. तो जब आप words पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा sound मिल रहा है और उसको जल्दी से सोच करके correct box में लिख लेना है. जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? C-A-P, cap, cap. तो जब हम लोग cap बोलते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? Ka, a सुनाई देता है ना? और यहाँ पे letter A भी है अपने साउंड अ के साथ. इट मींस इसे हमें कहाँ लिख देना है? फटाफट ए साउंड वाले बॉक्स में लिख देना है. एंड हियर इज द वर्ड बी ई डबल एल बेल. बेल, बेल जब हम लोग बोलते हैं तो देखिए हमें कौन सा साउंड सुनाई देता है? बे, है ना? बे. इट मींस बेल में क्या साउंड मिला हमें? ए, है ना? और यहाँ पे लेटर ई भी है अपने साउंड ए के साथ. तो हमें इसे क्या कर देना है? ई साउंड वाले बॉक्स में लिख देना है. ओके, लेट्स सी. मैंने सारे वर्ड्स को अलग अलग कर लिया. आई हैव नाउ ए साउंड वर्ड्स एंड ई साउंड वर्ड्स. आई हैव सी ए पी कैप मीन्स टोपी, बी ए टी बैट मीन्स बल्ला, एम ए एन मैन मीन्स आदमी, J-A-M jam means jam, V-A-N van means गाड़ी, और D-A-D dad means papa. और देखिए मुझको कौन कौन से E sounds मिले, E sound वाले words मिले. B-E-L-L bell means घंटी, P-E-N pen means कलम, L-E-G leg means pair, W-E-T wet, wet means भींगना, है ना? हमने boy को भींगने से बचा लिया. R-E-D red means लाल, और H-E-N hen, hen means मुर्गी, और hen हमें क्या देती है? Egg.